kusum. मतलब अब तक कुमुद की लाइफ में जो सब प्रॉब्लम्स हुए वो तो हाँ, ये सब मैंने ही किया। यहाँ तक आपके घर में रहकर आपका प्यार जीतने का नाटक भी मैंने उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए ही किया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की जगह दी और तुमने एक मिनट। आपने मुझे अपनी बेटी की जगह नहीं दी, बल्कि मैं आपकी बेटी की कमी पूरी करने के लिए आपके पास है। एहसान आपका नहीं, मेरा है, क्योंकि मैं कली कपूर सारे ऐशो आराम छोड़कर आपकी मिडिल क्लास जिंदगी जीने के लिए आई। वरना मुझे क्या शौक था बस की क्यू में खड़े रहने का। अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए महीने की एक बार मिलने वाली सैलरी का इंतजार करने का। आपने मुझे कुछ नहीं दिया है कुसुमा, बल्कि मैंने आपकी वजह से बहुत कुछ खोया है। मेरे लिए तो नेल पॉलिश भी सिंगापुर से आता था, और आपके घर में हाँ, ये जरूर है मैंने जो तकलीफ आपके लिए उठाई है वो इसलिए ताकि मैं आपके पास रहूं और आपसे कुमुद को दूर कर सकूं, क्योंकि उसने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया और दूसरी गलती उसने गर्व को मुझसे छीन कर की है। लेकिन मैंने भी उसे हासिल कर लिया है और देखना वो खुद कुमुद को छोड़कर मेरे पास लौट कर आएगा। मुझे कुमुद समझने की गलती मत करना। मैं कली कपूर शायद आपको पलट कर फिर से जवाब भी दे दूं। आपने मुझे अपनी बेटी की जगह नहीं दी, बल्कि मैं आपकी बेटी की कमी पूरी करने के लिए आपके पास है। आपने मेरी परेशानियों में मेरा कितना साथ दिया, तो कुछ दिन मैं यहाँ रहकर आपके दर्द नहीं बांट सकती। अगर कुमुद मेरी जिम्मेदारी है तो तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो, और अगर कभी ऐसी नौबत आए कि तुम्हें इस घर से जाना पड़े तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आज कली आपके लिए ज्यादा मायने रखती है। आज के बाद से मैं कली को कुछ नहीं कहूंगी। आप चाहती हैं तो मैं कली से माफी भी मांग लेती हूँ। अरे आंटी, आप इस वक्त यहाँ? किसी से मिलने गई थी तो देर हो गई होगी। कोई बात नहीं आंटी, आई मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इट्स ओके बेटा, मैं चली जाऊंगी। नहीं आंटी, इस वक्त तो आपको कहीं ऑटो भी नहीं मिलेगा। आइए प्लीज। नहीं नहीं, अरे आइए ना, आइए प्लीज। थैंक यू बेटा। मैंने कभी सोचा भी नहीं, सोचा भी नहीं कि तुम मेरा विश्वास इस तरह तोड़ो। मैं जानती थी तुम कली से प्यार करते हो, लेकिन अब भी करते हो, ये नहीं जानती। मैंने तुम्हारे लिए अपने अतीत का हर एक पल भुला दिया, ये जानते हुए कि भी शिद्दत सही था। मैंने उसे अपने रिश्ते के बीच में नहीं आने दिया। क्यों कर, क्यों किया तुमने ऐसा? कर कुमुद, कुमुद मेरी बात। देख बेटा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। कुसुम, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने कली को नहीं पहचाना। तुम मुझसे कहती रही लेकिन
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जिस लड़की को मैंने बेटी मानकर इतना प्यार दिया वही मेरी बेटी की दुश्मन बन गई। जिस लड़की को हर सुबह मैंने खुश रहने का आशीर्वाद दिया उसी ने मेरी बेटी की सारी खुशियां छीन ली। बहुत बेइज्जत किया उसने मुझे आज। जानते हो उसका यहां रहना, मुझे मॉम बुलाना, आपको आपको आई बोलना, सब उसका नाटक था। सब जानती थी मां मैं, सब कुछ पता है। जब वो यहां रहने चली आई थी ना तब भी मैं समझ गई कि वो मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही है। उसने मुझसे गर्व को छीन लिया। और दुख इस बात का कि उसने आपका दिल दुखाया बाबा। हे भगवान, ये क्या हो गया? कर्म ने ऐसा क्यों किया? मुझे कली पर तो यकीन नहीं था लेकिन तुमने, मैंने तुमसे कहा था कुमुद के कर्म तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा लेकिन आज उसने ही। नकुल, कुमुद ने गर्व का घर छोड़ दिया है तो तुम्हें नहीं लगता कली इस चीज का फायदा उठाएगी? Well, मेरा सिक्स सेंस ये कहता है। सिक्स सेंस। Listen to me, you fool. Okay. मेरा सिक्स सेंस ये कहता है कि कली गर्व को पाके रहेगी। Nonsense, Charlie. सोनिया, तुम भी कैसी बात करती हो? तुम्हारा एक सेंस ठीक से काम नहीं करता और तुम सिक्स सेंस की बात करती हो। Silly girl. अब तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होने वाला है। जब अभय अंकल को गर्व और कली के बारे में पता चलेगा तो वो कली को घर से बाहर निकाल देंगे। और फिर वो क्या नाम क्या है उसका, दैट रोमांटिक फूल, गर्व वो इस वक्त इतना गिल्टी फील कर रहा होगा कि वो कली को अपने इतने पास भी आने नहीं देगा, नॉट इवन सो मच। और फिर कली के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वो रास्ता सीधा मेरे पास आ जाएगा। तुम यहां क्यों आए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। क्यों किया तुमने कुमुद के साथ ऐसा? ये कुमुद और मेरे बीच का मामला है। क्या गलती की थी उसने जो तुमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया? कर क्षितिज, इस वक्त मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूं। मूड में नहीं हो या मूड दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही है? रिमेंबर क्षितिज, तुम इस वक्त किसके घर में खड़े हो? घर तुम्हारा जरूर है घर, लेकिन मैं यहां अपने ईमान की वजह से खड़ा हूं और तुम अपनी बेईमानी की वजह से मुझसे नजरें चुरा रहे हो। यू हैव नो आइडिया गर्व, हाउ मच आई रिस्पेक्टेड यू, हाउ मच आई ट्रस्टेड यू। अरे मैं तो ये सोचता था कि एक बार मैं गलत हो सकता हूं लेकिन तुम गलत नहीं हो सकते हो। बट टुडे यू हैव जस्ट फिनिश्ड इट ऑल। क्यों किया तुमने ऐसा? गर्व क्यों? तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अपने आप को देखो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहा हूं? किसी और की बीवी का इतना ख्याल रखने की जरूरत क्या थी? तुम क्यों एक पति और पत्नी के बीच में आ रहे हो? ये मत भूलो, जहां एक पति और पत्नी का रिश्ता शुरू होता है ना वहां बाकी सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, इंटरफेरेंस का भी। अब या तुम अपनी लिमिट भूल रहे हो या कुमुद और तुम्हारे बीच कुछ और ही रिश्ता है। तुम
कितना घटिया भी सोच सकते हो नहीं मालूम था। अपनी गलतियां छुपाने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। वाह। और अगर यही बात अगर मैं तुमसे पूछूं तो कि तुम दोनों अपनी गलतियां छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो गर्व कि कौन गलत है और क्या गलती हुई है। लेकिन मैं तुम्हें यहां सिर्फ यह समझाने आया हूं कि अगर तुमने फिर से कुमुद को दुख पहुंचाया, आई एम नॉट गोना स्पेयर यू। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, याद रखना। क्षितिज, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, वरना वरना क्या कर? क्षितिज, I'm warning you, man. Get out from here. ठीक। लेकिन जो तुम कुमुद के साथ कर रहे हो ना कर, you will have to pay for it. बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, मैंने गणपति बापा से विनती की है, वो सब ठीक करेंगे। बेटा थोड़ी देर सो जाओ, ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। मामू, एक मिनट माँ, मैं गर्व से कुछ बात करना चाहती हूँ। अब क्यों आए हो तुम यहाँ पर? कुमुद, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं कर, तुमने जो किया है उसे भुलाना इतना आसान नहीं। अरे तुम्हें तो मेरा क्षितिज का मिलना भी बर्दाश्त नहीं होता था कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुमने जो कुछ भी किया है उसे मैं भुला दूँ? कुमुद, इंसान से जिंदगी में कभी कभी गलतियां होती है जिनके लिए वो शर्मिंदा होने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? माफी और सजा देने वाली मैं कौन होती हूँ? तुमने जो गलती की है ना, अगर वही भूल मुझसे होती तो क्या तुम माफ करते? कुमार, जिंदगी में मैं बुरे को भुलाकर अच्छाई की शुरुआत करने में यकीन करता हूँ। जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ था तब मैं तुम्हारे साथ शादी की थी और ताकि तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने जो मुझ पर एहसान किया था उसके बदले में? कुमुद, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। लेकिन आज तो तुमने ये कह ही डाला ना। कुमुद, मेरी बात का मतलब ये नहीं था। लेकिन तुम्हारा मतलब मैं समझ गई। हमारा रिश्ता तो एक समझौता है, जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज। कोई शादी या वादा थोड़ी है, है ना घर? समझौता मजबूरी का नाम होता है और मजबूरी में कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम किसी समझौते में बंध गए हो तो जाओ, आज मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। कुमुद, आज मैं रोऊंगी नहीं कर, क्योंकि इंसान को गम तो रिश्ते के टूटने का होता है, समझौते का नहीं। कुमुद, प्लीज प्लीज कर, तुम जा रहे हो? ठीक है कुमुद, मैं चला जाता हूं। आज तुमने बहुत कुछ कह दिया, पर एक बात बता, क्या तुम आज भी क्षितिज को भूल पाई हो? हाँ गैर, मैं क्षितिज को नहीं भूला पाई हूं। It's just because I thank him today.
कि उसकी वजह से तुम मुझे मिले। उसकी वजह से तुम मुझे मिले। सब कुसुम दीदी आए, उन्हें अंदर बुलाओ ना। मैंने तो कहा था लेकिन वो ठीक है, मैं आता हूं। कुसुम तुम यहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। नहीं, इट्स ओके। क्या बात है कुसुम, तुम थोड़ा टेंस लग रही। अभय, वो कुमुद। क्या हुआ कुमुद? कुमुद अपना घर छोड़कर चली आई है अभय। लेकिन क्यों? वो कह रही है कि गर्व और कली के बीच में अभी भी कोई रिश्ता है। ऐसा नहीं हो सकता, कली और गर्व ऐसा, कली कुमुद की जिंदगी में सब क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं सच कह रही हूं। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं घर से तुम यहां? राजू, राजू। जी साहब। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि कोई भी सीधे मेरे बेडरूम तक नहीं आना चाहिए, और फिर भी तुम गर्व, तुम किसी और का गुस्सा राजू पे क्यों निकाल रहे हो? तुम जाओ राजू। क्या हो गया तुम्हें गर्व? तुम इस तरह से क्यों? शराब, जस्ट शराब। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज मैं कुमुद की नजरों में गिर चुका, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं था। ना कुमुद को, ना कसुम माम को, अबे अंकल को। मैं जानती हूँ मैंने ही तुम्हारी जिंदगी में आग लगाई, लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि इस आग में मैं खुद कितना जली हूँ? तुम्हें मेरी फीलिंग की कोई कदर नहीं। तो क्या चाहती हो तुम, मैं कुमुद को छोड़कर तुम्हारे साथ शादी कर लूँ? हाँ कर। ये कभी नहीं होगा। You got that? क्यों नहीं, जब कुमुद और शिदिज आज भी... शराब, जस्ट शराब। तुम्हारी इन बातों में आकर मैंने वो कर दिया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। लेकिन गर्व, तुम गर्व बेटे, ये मैं क्या सुन रहा हूं? कुमुद घर छोड़ के चली गई, और कली तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए ना। वो पापा, जब मुझे पता चला कि कुमुद घर छोड़कर गई है तो मैंने सोचा कि। लेकिन गर्वेट, ऐसा क्या हुआ जो कुमुद घर छोड़ के? पापा वो, यही तो समझ में नहीं आ रहा पापा, उसने ऐसा किया क्यों? हाँ बेटे, वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आखिर कुमुद ने ऐसा किया क्यों? ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा?